मेरे सामने को मुस्तफीज करवाए। अम्माबाद हाजरीन मजलिस, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को दुआ की है कि जो आपके इरशादात को सुने उसे महफूज रखे और बाद वालों तक उसे पहुंचाए। नज़रल्लाहु अब्दन समिया मकालती फवाहु, उस शख्स के चेहरे को अल्लाह ताला तरोताजा रखे जो मेरी बात को सुने उसे महफूज रखे और फिर उसे बाद वालों तक पहुंचाए। वो लोग सआदतमंद हैं, खुश नसीब हैं कि जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मखसूस दुआ का मिसदाक बनने की तौफीक मिली। तमाम मुहद्दिसीन किराम जिन्होंने अपनी जिंदगियां आकाए नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस तजर्बा की जब व तदवी और उनकी दर्स व तदरीस और नशर शाहत के अंदर सद की, वो सब के सब पूरी उम्मत की तरफ से दुआए खैर के मुस्तहिक हैं। उसी सफ में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैहि भी शामिल हैं। ये अलग बात है कि अजीम मुहद्दिस होने के साथ साथ उन्होंने अपनी दिलचस्पी का महवर फिक्ही खिदमात को करार दिया और इस मैदान के वो ऐसे शहसवार बने कि बिला इख्तलाफ उनको इमाम आजम के लकब से पूरी दुनिया हमेशा याद करती रहेगी। वो कम सवाल कि जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर किल्लत हदीस का इल्जाम लगाते हैं और अपने इस गलत दावा को फैलाने में हर तरह की तजवीज तलवीज और गलत बयानी का इस्तेमाल करते हैं, उनका जवाब और उनकी तर्दीद हर दौर के अंदर इल्मी तौर पर अकाबिर उलमा ने मुसन्निफीन ने की है। आज जिस किताब की रुनुमाई का ये प्रोग्राम आपके सामने आ रहा है, ये एक जीता जागता सबूत है और उलमा की तरफ से जो दावा किया जाता था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अगरचे फकीह की हैसियत से इमाम आजम की हैसियत से मुतारफ हुए, दुनिया उनको इसी नाम से जानती है, लेकिन इल्म हदीस में भी उनका पाया बहुत बुलंद था। उसका जिंदा सबूत आज इस अल-मौसूअतुल फिक्हिया लिमरजिया की इमाम अबी हनीफा की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। एक तरफ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फकीह आजम और इमाम आजम तस्लीम करना, फिर उनके बारे में ये गलत इल्जाम कि उनको हदीस से कोई ताल्लुक नहीं था, इस सिलसिले में उनकी मालूमात बहुत महदूद थी, कि ऐसा ही है जैसे कोई शख्स कहे कि फला तबीब तबीब आजम है, तबीब हाजिर है, लेकिन उसको जड़ी बूटियों के बारे में कोई मालूमात नहीं है। फला शख्स जनरल फिजिशियन और आला दर्जे का सर्जन है, मगर एनाटॉमी के बारे में वो सिफर उसे कुछ मालूमात नहीं है। एक फकीह के लिए कुरान पाक अहादीस तैयबा और उसूल इज्तिहाद और उसकी तमाम जुज़ियात से पूरी वाकिफियत जरूरी है,
इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इमाम आदम होना खुद इस दावे की तस्दीक है कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक अहादीस तय्यबा के आला तरीन माहिरीन के सफ में शामिल थे। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब ने गुज़रल्लाह मुर्तज़ऊ फरमाते थे कि इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो ज़वाबित जो कवायदे कुलिया फिका की किताबों में जिक्र किए जाते हैं वो अक्सर मतून अहादीस हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर उसको हदीस का उन्वान नहीं दिया गया, क्योंकि मुतकद्दमीन किसी भी कौल या फेल की नस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ करते हुए एहतियात करते। बुखारी शरीफ में हजरत ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह तआला उनसे मरवी है, किसी ने उनसे पूछा कि क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत अख्तियार नहीं किए, आपसे इतनी कम हदीसें क्यों मरवी हैं। उन्होंने ये रवायत सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतहु व मक़अदुहु मिनन नार। यही बुनियाद है कि सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला जिनको सबसे तवील सोहबत मिली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो जलवत व खलवत हमेशा आपके साथ रहे, आपके आमाल और अकवाल के सबसे मुअतबर और सबसे करीबी मुशाहिद और रावी हैं, लेकिन हदीस के उनवान उनसे रवायतें महदूद एक चंद मरवी हैं। मगर उलमा जानते हैं कि जब भी कोई ऐसा मसला पेश आया जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और आपकी हिदायत की जरूरत पेश आई तो पूरे मजमाए सहाबा में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने आए, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद के वाक़ियात बतलाते हैं। तो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का आम तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को हदीस के उनवान से नकल न करना उनके क़िल्लत दिमाग़ क़िल्लत इल्म की दलील नहीं है। और अब तो सनद के साथ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मरवी अहादीस और रवायात को भी जमा कर दिया गया है। ये एक फर्ज किफाया था जो पूरी मिल्लत की तरफ से और खास तौर से अनाब की तरफ से मौलाना लतीफुर रहमान साहब कातून ने अदा किया है, और ये वो आरज़ू तमन्ना थी जो हमारे बड़े बड़े पेशरों अकाबिर उलमा की तरफ से जाहिर की गई। अल्लाह ताला ने उसकी तकमील मौलाना लतीफ रहमान साहब के मुकद्दर में रखी थी। ये पूरी मिल्लत की तरफ से पूरी जमात की तरफ से काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और हम सब को इससे इस्तेफादा की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत अब्दस मुद्दीन साहब दामत बरकातहुम की इस जामे गुफ्तगू के बाद मैं दरख्वास्त करता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुम।